वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब चार रोज़ा दौरे पर चीन पहुंच गए। सुबह बलोचिस्तान इस वक्त दहशतगर्दों के निशाने पर है। दुश्मन ने एक बार फिर बलोचिस्तान को निशाने पर रखने की नाकाम कोशिश की। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फिज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर वन प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। सुल्तान महमूद गज़नवी का दरबार लगा हुआ था। दरबार में हज़ारों अफराद शरीक थे जिनमें आलिम, फाजिल, वज़ीर, मुशीर, दानिश्वर सभी शामिल थे। अच्छा, सुल्तान महमूद ने सबको मुखातिब करके कहा कि कोई शख्स मुझे हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करा सकता है। ये सुनकर सब खामोश रहे, लेकिन दरबार में बैठे एक गरीब देहाती ने खड़े होकर बुलंद आवाज़ में कहा कि मैं आपको हज़रत खिज़र की ज़ियारत करा सकता हूँ। अच्छा, सुल्तान ने शराइत पूछी तो कहने लगा कि इसके लिए 6 माह दरिया के किनारे चिल्ला काटना होगा, जिसमें मैं एक गरीब आदमी हूँ, इसलिए मेरे घर का आपको पता खर्चा फिर आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। अब सुल्तान ने बड़ा सोचा और उसने शर्त मंजूर कर ली और शख्स को चिल्ले के लिए भेज दिया और घर का खर्चा बादशाह के ज़िम्मे हो गया। अच्छा, 6 महीने गुजरने के बाद सुल्तान ने उस शख्स को दरबार में हाजिर किया, पूछा कि मेरे काम का क्या बना। तो देहाती कहने लगा कि हुजूर, कुछ जो वज़ाइफ़ हैं ना वो उल्टे हो गए हैं, लिहाजा 6 महीने मज़ीद लगेंगे। सुल्तान ने उसको 6 महीने का मज़ीद वक्त दे दिया। अच्छा, मज़ीद 6 महीने गुजरने के बाद सुल्तान महमूद के दरबार में उस शख्स को दोबारा पेश किया गया। बादशाह ने पूछा कि मेरे काम का क्या हुआ। अब ये बात सुनकर देहाती कहने लगा कि बादशाह सलामत, कहाँ मैं गुनाहगार और कहाँ हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम, मैंने आपसे झूठ बोला था, मेरे घर का खर्चा पूरा नहीं हो रहा था, बच्चे भूख से मर रहे थे, इसलिए मैं ऐसा करने पे मजबूर हो गया। आपकी मेहरबानी होगी अगर आप मुझे मेरे इस धोखे पर मेरी जान बख्श दें। अच्छा, ये सुनकर सुल्तान महमूद गज़नवी ने अपने एक वज़ीर को खड़ा किया, उससे पूछा कि इस धोखेबाज शख्स की सज़ा क्या होनी चाहिए। वज़ीर ने कहा कि इस धोखेबाज शख्स ने बादशाह के साथ झूठ बोला, धोखा दिया, इसलिए इसका गला काट दिया जाए। अच्छा, इस दौरान दरबार में एक नूरानी चेहरे वाले बुज़ुर्ग भी मौजूद थे। वो बुज़ुर्ग कहने लगे कि बादशाह सलामत, इस वज़ीर ने बिल्कुल ठीक तजवीज़ आपको दी है। फिर बादशाह ने दूसरे वज़ीर से पूछा कि आप बताओ कि इस धोखा देने वाले शख्स की क्या सज़ा होनी चाहिए। दूसरे वज़ीर ने कहा कि इस शख्स ने बादशाह के साथ फ्रॉड किया, इसका गला ना काटा जाए बल्कि इसे कुत्तों के आगे डाला जाए ताकि ये जलील होकर मरे और इसे मरने में कुछ वक्त तो लगे। अच्छा, दरबार में बैठे उसी नूरानी चेहरे वाले बुज़ुर्ग ने कहा, बादशाह सलामत, ये वज़ीर भी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब इसके बाद सुल्तान महमूद गज़नवी ने अपने प्यारे ग़ुलाम अयाज़ से पूछा, तुम्हारी इस बारे में क्या राय है। अयाज़ ने कहा कि बादशाह सलामत, आपकी बादशाही से कई सालों से कई गरीब के बच्चे पलते रहे, आपके ख़जाने में क्या कोई कमी आई? बिल्कुल नहीं आई, और ना ही इस शख्स के झूठ से आपकी शान में कोई फ़र्क पड़ा है। अगर मेरी बात मान लें, इसे माफ़ कर दें, अगर इसे कत्ल कर दिया गया तो उसके बच्चे भूख से मर जाएंगे। अच्छा, अयाज़ की ये बात सुनकर महफिल में बैठा वही नूरानी चेहरे वाला बाबा, वो बाबा कहने लगे कि अयाज़ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा, सुल्तान महमूद गज़नवी भी उन बाबा जी से मुखातिब होकर बोले कि आपने हर वज़ीर के मशवरे को दुरुस्त कहा कि ये भी ठीक कह रहे हैं, वो भी ठीक, वो भी ठीक, इसकी वजह मुझे ज़रा समझा दीजिए। अब बाबा जी, ज़रा गौर से सुनिएगा नाज़िम, बाबा जी कहने लगे कि बादशाह सलामत, पहले नंबर पर जिस वज़ीर ने आपको कहा कि इस धोखेबाज का गला काटा जाए, वो कौम का कसाई है, और कसाई का काम क्या होता है? गला काटना। इसलिए उसने अपना ख़ानदानी रंग दिखा दिया। गलती उसकी नहीं है, गलती बादशाह सलामत आपकी है कि आपने एक कसाई को वज़ीर बना लिया, और आपका दूसरा वज़ीर जिसने आपको उसे कुत्तों के आगे डालने का मशवरा दिया, उस वज़ीर का वालिद बादशाहों के कुत्तों से शिकार खेलता था, उसका तो काम ही कुत्तों से शिकार का काम लेना है, तो उसने भी अपने ख़ानदान का तारुफ करवा दिया। ये भी गलती आपकी है कि आपने ऐसे शख्स को वज़ीर बना दिया, वज़ारत दे दी, गलती आपकी है बादशाह सलामत। अब जहाँ पर ऐसे लोग वज़ीर हों वहाँ लोगों ने भूख से ही मरना है ना। फिर बुज़ुर्ग ने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा कि अयाज़ ने जो मशवरा आपको दिया, तो सुल्तान महमूद सुनो, अयाज़ सैयद ज़्यादा है, सैयद की शान ये है कि वो ख़ुद तो सब कुछ बर्दाश्त कर लेता है लेकिन कभी भी किसी से बदला लेने का नहीं सोचता। अब ये सुनकर सुल्तान महमूद अपनी कुर्सी से खड़े हो जाते हैं और अयाज़ को मुखातिब करते हुए कहते हैं कि अयाज़, तुमने आज तक मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम सैयद ज़ादे हो। जिस पर अयाज़ कहता है कि आज तक किसी को इस बात का इल्म नहीं था कि मैं सैयद हूँ, लेकिन आज बाबा जी ने मेरा राज खोल दिया और आज मैं भी एक राज खोल देता हूँ। और नाज़रीन, आपको पता है वो राज क्या था? वो कहने लगा अयाज़ बादशाह से, बादशाह सलामत, वो राज ये है कि ये बाबा जी कोई आम हस्ती नहीं है, ये हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम।
नाज़रीन, इस कहानी का सबक ये है कि जो इंसान का पेशा होता है ना, उसकी फितरत भी उसी तर्ज पर ढल जाती है। और कहानी में यही पता चलता है कि जैसी फितरत होगी वैसा ही इंसान का अमल होगा। अच्छे और आला ज़र्फ़ के मालिक लोग दुश्मन से भी अच्छा सलूक करते हैं, फौरन गिर नहीं जाते, अपने ज़र्फ़ को नीचे नहीं ले आते। और जो कम ज़र्फ़ लोग हैं उनसे अपने भी महफूज नहीं रहते हैं, क्योंकि उनकी फितरत में होती है कम ज़र्फ़ी। अब हमारे प्यारे वतन को भी कम ज़र्फ़ लोगों ने अपनी छोटी छोटी हरकतों से कई ज़ख़म दिए हैं। कम ज़र्फ़ी सानिहा पेशावर में भी देखी गई, लाहौर, पेशावर, कोयटा दहशतगर्दी की जद में रहे। ख़ास तौर पर दुश्मन ने बलूचिस्तान को तोड़ने के लिए यहाँ तकरीबी सरगर्मियों की हद कर दी। लेकिन सलाम है हमारे बहादुर फौजी जवानों को, जिन्होंने ज़रूरत पड़ने पर अपनी जानें कुर्बान करके धरती की हिफाजत को यकीनी बनाया। और अब एक बार फिर अमन के दुश्मनों को हमारे दलेर बहादुर जवानों ने ज़बरदस्त किस्म का सबक सिखाया। दुश्मन ने एक बार फिर बलूचिस्तान को निशाने पर रखने की नाकाम कोशिश की, नाकाम कोशिश। बलूचिस्तान के इलाके नोशकी और पंजगोर में जो दहशतगर्दों ने अपने नापाक अजायम को अमली शक्ल देने की कोशिश करना चाही, तो हमारे फौजी जवानों ने बरबक कार्रवाई करते हुए नोशकी और पंजगोर में कई दहशतगर्द जहन्नुम रसीद कर दिए। और कई सिक्योरिटी अहलकारों ने भी जाम शहादत नोश किया। अच्छा, पाक फौज के जवानों की शहादत और दहशतगर्दों की हलाकत पर वज़ीर दाखला शेख रशीद साहब ने अपनी गुफ्तगू में ये बताया कि नोशकी और पंजगोर में जो दहशतगर्दों का बड़ा हमला नाकाम बना दिया गया, ISPR के मुताबिक ये दहशतगर्द अफगानिस्तान और इंडिया में सहूलतकारों से रबते में थे। और वज़ीर दाखला ने दो हमले नाकाम बनाने पर फौजी जवानों की हिम्मत और हौसले पर उन्हें खराज तहसीन भी पेश किया। अच्छा, जितना शेख रशीद साहब को अपनी पाक फ़ौज पर यकीन है, उतना ही पूरी कौम को यकीन है कि बिलाशुबा हमारी फ़ौज के जज्बा शहादत का मुकाबला दुनिया की कोई ताकत नहीं कर सकती। शुजात में, बहादुरी में, दिलेरी में हमारी पाक फ़ौज का खासा है जो किसी और फौज में मौजूद ही नहीं है। और दुश्मन को यही बात खटक रही है कि वो हमारी फ़ौज के होते हुए हमारे मुल्क को नुकसान पहुँचा ही नहीं सकता। अब यहाँ पाकिस्तान को बैरूनी खतरा है, लेकिन ये हमारे रहबर देख लें, इनके रवैये देख लें, ये अपने अपने मुफादात और सियासत के कैदी बने हुए हैं। और शायद एक मेरे ख्याल से ये भी वजह है कि जिससे दुश्मन फ़ायदा उठाना चाहता है, नाकाम हो जाता है लेकिन कोशिश करता रहता है। सिर्फ अपने मुफादात के तहफ़ुज़ पर नज़र, हर चीज़ में सियासत की ज़िद, इसने हमारे जो रहबर है ना, इनकी सोच को ना बहुत महदूद करके रख दी है। अब इसकी ताज़ा मिसाल मैं आपको दूँगी, नवाज शरीफ साहब की मेडिकल रिपोर्ट, उस पर ये जो सियासत हो रही है, सियासी बहस चल रही है, आपके सामने है। ऑपोजिशन हुकूमत के दरमियान सियासी गोलाबारी हो रही है, हुकूमत नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स पर एतबार करने को तैयार नहीं है। और जो नून लीग है इस रिपोर्ट पर पूरे तरीके से डटी हुई है। और नवाज शरीफ के तिबी मौले जो डॉक्टर अदनान हैं, उन पर भी बड़े सवाल उठ रहे हैं कि जी डॉक्टर अदनान शरीफ ख़ानदान के नज़दीक सबसे बेहतरीन काबिले भरोसा डॉक्टर हैं, लेकिन शायद उन्हें अपने ऊपर भरोसा नहीं है, इसलिए उन्होंने नवाज शरीफ को और बेहतर डॉक्टर से रुजू करने का मशवरा दिया दिया। अब इस सारी सिचुएशन में एक और ट्विस्ट सामने आया है। वो ट्विस्ट क्या है? वो ये कि जी नवाज शरीफ के बारे में ये कहा जा रहा था कि उनकी जो हालत है मुस्तहकम नहीं है, लेकिन अब उनकी एक फैक्ट्री के दौरे की जो वीडियो मंजर आम पर आ गई है, अब उस वीडियो के मंजर आम पर आने के बाद ये कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ ने फैक्ट्री तक पहुँचने के लिए 425 किलोमीटर का फ़ासला तय कर लिया। अब इसके बाद फारूक हबीब साहब तनकीद कर रहे हैं कि नवाज शरीफ गाड़ी में 4 से 5 घंटे का सफ़र करके लंदन से मैनचेस्टर के करीब फैक्ट्री का विजिट करने चले जाते हैं, लेकिन एयर एम्बुलेंस पर सफ़र करके पाकिस्तान वापस नहीं आ सकते। अब एक तरफ रिपोर्ट ये कहती है कि सफ़र नहीं कर सकते, दूसरी जानिब नवाज शरीफ सैर सपाटे कर रहे हैं। अब हुकूमत की जानिब से एक तनकीद होती है, एक बहुत ज़्यादा तनकीद होती है, देखो तो तनकीद के बाउंसर मारना, ये सिचुएशन है कि तनकीद के बाउंसर्स मारे जा रहे हैं। अब दूसरी जानिब हुसैन नवाज साहब अपने वालिद के दिफा में आके खड़े हो गए हैं और हुकूमत पर संगीन नौयत के इल्ज़ाम लगा रहे हैं। वो इल्ज़ाम क्या लगा रहे हैं और सफाई में क्या कह रहे हैं, मैं आपको शेख रशीद साहब की क्लिप के बाद बताती हूँ, क्योंकि शेख साहब किसी भी सूरत हुसैन नवाज की बातों पर यकीन करने को तैयार नहीं है। ज़रा शेख रशीद साहब का क्लिप चलाइएगा। सुना आपने शेख साहब का, हुसैन नवाज भी हुकूमत पर दो बड़े इल्ज़ाम लगा रहे हैं। पहला इल्ज़ाम उन्होंने ये लगाया कि जी हुकूमत नवाज शरीफ की फैक्ट्री दौरे की जो फुटेज है उस पर मनफी प्रोपेगेंडा कर रही है। हुसैन नवाज इसकी ये दलील तराश रहे हैं कि जी ये वीडियो ताज़ा नहीं है, बल्कि हुसैन नवाज का दावा ये कि ये वीडियो 4 से 5 महीने पुरानी है। और साथ ही हुसैन नवाज ने एक सवाल उठाया है कि जी हुकूमत इससे पहले ये वीडियो सामने क्यों नहीं लेकर आई। हुसैन नवाज किस्सा ये सुना रहे हैं कि वो नवाज शरीफ को 2 घंटे के लिए उनके जानने वाले शख्स के घर माहौल की तब्दीली के लिए लेकर गए थे,
और नवाज शरीफ का जो जानने वाला शख्स उन्हें फैक्ट्री में ले गया। और हुसैन नवाज ने सवाल ये किया कि नवाज शरीफ का किसी दूसरे की फैक्ट्री में जाना क्या कोई गुनाह है और इस मामले का पाकिस्तान आने से क्या ताल्लुक है। अच्छा, हुसैन नवाज ने दूसरा बड़ा इल्ज़ाम जो हुकूमत पर लगाया इल्ज़ाम वो ये है कि जी नवाज शरीफ के जो प्लेटलेट्स हैं उनको जान बूझ कर कम किया गया ताकि नवाज शरीफ की जान को ख़तरा लाहक हो जाए। इसलिए हुसैन नवाज ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या किसी ने जानने की कोशिश की कि नवाज शरीफ की पाकिस्तान में तबीयत आखिर बिगड़ी क्यों थी। यानी हुसैन सीधे सीधे लफ्ज़ों में ये कहना चाह रहे हैं कि नवाज शरीफ की वापसी की सूरत में उनकी जान को ख़तरा हो सकता है, इसलिए वो किसी सूरत फ़िलहाल तो वतन वापस नहीं आएंगे। इस वक्त उनकी सेहत इजाज़त नहीं देती कि वो वापस जा सकें। अच्छा, हुसैन ने अपने एक जवाब में ये भी कहा है कि जी ये किसी वीडियो की बात नहीं हो रही बल्कि एक ऐसी हुकूमत जो अपनी नालायकी से तवज्जो हटाने के लिए मुख्तलिफ जो हकायक हैं उनको मुख्तलिफ रंग देकर पेश कर रही है, इसकी बात की जा रही है। अच्छा, हुसैन नवाज़ किसी भी तरह से ना कहते ना कि परों पर पानी नहीं पड़ने दे रहे, ये सिचुएशन है। अपने वालिद का भरपूर अंदाज में दिफा भी कर रहे हैं। अच्छा, शेख साहब भरपूर अंदाज में वार करते हुए नवाज शरीफ को बदनसीब शख्स करार दे रहे हैं क्योंकि शेख साहब के बकौल उन्होंने जाली रिपोर्ट्स के सहारे लंदन उड़ान भरी, जाली रिपोर्ट्स के सहारे ही वो लंदन में मजीद क़याम करना चाहते हैं। और ये लोग कहते हैं कि जी कोरोना है इसीलिए नवाज शरीफ को एहतियात बरतने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन यही लोग अवाम को कोरोना की हालत में सड़कों पर निकालना चाहते हैं। इन लोगों को किसी किस्म की कोई ढील नहीं मिलेगी। और साथ ही फयाजुल हसन चौहान साहब भी वो शरीफ ख़ानदान के झूठ ना सिर्फ पर्दा उठा रहे हैं बल्कि वो नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली ख़त्म करवाने वालों पर भी सख्त बरहमी का इजहार करें। ज़रा क्लिप चलाइएगा चौहान साहब का। जी, तो सुना आपने नवाज शरीफ की नाअहली ख़त्म करवाने और नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स पर फयाजुल हसन चौहान बरस रहे हैं और वो तंजिया जुमलों का तबादला इस्तेमाल जो कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी बेटी और कनीज़ों ने 6 महीनों से माहौल बनाया हुआ था कि जी नवाज शरीफ वतन लौट रहे हैं, लेकिन जितनी फुर्ती से नवाज शरीफ जहाज़ की सीढ़ियों पर चढ़े उतनी फुर्ती से तो वो कह रहे हैं कि जी कोई गुलहरी भी दरख्त पर नहीं चढ़ सकती। अब जो सियासी मंडेला, वो कह रहे हैं सियासी मंडेला को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट बार को भी इस्तेमाल किया जा रहा है। अब फयाजुल हसन चौहान साहब ने इदारों को मुतनाज़े बनाने पर भी नवाज शरीफ पर सख्त तनकीद की और कहा कि जी पाक फ़ौज के तर्जुमान ने डील की खबरों को रद्द करके शरीफ ख़ानदान के मुँह पर थप्पड़ मारा है। अच्छा, फयाजुल हसन चौहान ने डील के तासुर को रद्द किया और शायद यही वजह है कि हुकूमत ने डील के तासुर को ख़त्म करने के लिए शहबाज शरीफ पर दबाव बढ़ा दिया है और अटॉर्नी जनरल ने नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए शहबाज शरीफ को ख़त भी लिख दिया, लेकिन शहबाज शरीफ ने इस पर दिफाई अंदाज में जवाब नहीं दिया बल्कि जारहाना अंदाज में इसका जवाब दिया। जवाबी ख़त में क्या कहा है उन्होंने कि जी ऐसा महसूस होता है कि जैसे अटॉर्नी जनरल ने ख़त वफाकी काबीना की हिदायत पर लिखा, ये शरीफ ख़ानदान के मीडिया ट्रायल और ज़ेरे समाअत मुकदमे पर असरअंदाज होने की कोशिश है। मैं हर किस्म की कानूनी चाराजोई का हक महफूज रखता हूँ। बयान हल्फी की एक भी खिलाफ वर्जी नहीं की गई। अब शहबाज शरीफ के अटॉर्नी जनरल के जवाबी ख़त पर जो जवाब आया उसको हुकूमत चोरी और सीना जोरी से तशबीह दे रही है और यही हाल सिंध की सियासत में भी देखने में आ रहा है। सिंध हुकूमत के जो बल्दियाती तरमीमी बिल है उस पर जमात इस्लामी के अलावा तमाम जमातें सिंध हुकूमत को चोर और सीना जोर भी कह रही हैं। ये एमकेएम और तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का क्लिप होगा, ज़रा चलाइएगा। सुना आपने। अच्छा, अब सुप्रीम कोर्ट ने जो सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट है उस पर एमकेएम की दरख्वास्त पर फैसला सुनाया। अब फैसले में अदालत ने क्या कहा है कि जिस सिंध हुकूमत बाख्तियार बल्दियाती इदारे कायम करने की पाबंद है, मास्टर प्लान बनाना, उस पर अमल दरामद बल्दियाती हुकूमतों के इख्तियार आते हैं। और अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का क्रेडिट खालिद मकबूल सिद्दीकी ने वज़ीर आज़म को भी दिया, लेकिन तहरीक इंसाफ और दीगर जमातें किसी भी सूरत सिंध हुकूमत के वादे पर भरोसा करने को तैयार नहीं है। और तहरीक इंसाफ तो ये कह रहे हैं कि जी वो सईद गनी के झूठे दिलासों में नहीं आएंगे और ऐसी राय का इजहार मुस्तफ़ा कमाल भी कर रहे हैं, ज़रा सुनिएगा। जी, तो सुना आपने मुस्तफ़ा कमाल को, वो एमकेएम पर बहुत तनकीद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जी आज जो एमकेएम सिंध हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रही है वही एमकेएम उस वक्त पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमत में हिस्सादार थी। 2013 में जब कराची में शबखून मारा जा रहा था तो एमकेएम खामोश रही और वो कौम को कुर्बानी का बकरा बनता देखती रही। यानी मुस्तफ़ा कमाल सीधे अल्फाज में कहते हैं कि जी सिंध में कोई भी जमात संजीदा नहीं है, हर जमात अपने अपने मकसद के तहत इस तरमीमी बिल के खिलाफ एहतजाज कर रही है, लेकिन जमात इस्लामी सिंध हुकूमत के साथ बल्दियाती कानून के हवाले से मुज़ाकरात करके बहुत मुतमईन नज़र आ रही है। और मुराद अली शाह साहब वो क्या कह रहे हैं कि जी जमात इस्लामी के साथ होने वाली डील को हर सूरत पर प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट किया जाएगा और बिल में बहुत जल्द तरामीम भी करा लेंगे। और जमात इस्लामी के रहनुमा नईमुर रहमान वज़ीर आला सिंध की बातों से काफ़ी मुतमईन नज़र आ रहे हैं, ज़रा क्लिप चलाइएगा टीम। जी, तो सुना आपने दोनों रहनुमाओं को, हम भी उम्मीद करते हैं कि सिंध के मसाइल जल्द हल हो जाएं क्योंकि ख़ास तौर पे कराची ने बहुत गम और बहुत तकलीफ़ें उठाई हैं
और अब वक्त आ गया है कि सिंध और कराची के अवाम के जो गम हैं उनका अजाला किया जाए, इदारों को मजबूत किया जाए, बल्कि एक दूसरे से जो इख्तलाफात हैं उनको बालाए ताक रखते हुए एक दूसरे को मजबूत किया जाए। अच्छा, जब सियासी क़यादत मजबूत होगी तो पाकिस्तान मजबूत होगा, खुशहाल होगा। लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब यहाँ इतिहाद की बात नहीं करते, वो PDM के मार्च पर फोकस कर रहे हैं, अपने मार्च की जो वजह बढ़ती महंगाई को करार दे रहे हैं। और जो मौलाना साहब कह रहे हैं, ज़रा उनका क्लिप चला दीजिएगा। जी तो सुना आपने मौलाना साहब को, वो हुकूमत को बकायदा ये ताना दे रहे हैं कि हुकूमत ने इस मुल्क को कंगाल कर दी है और ये लोग कौमी सलामती की पॉलिसी बना रहे हैं, जबकि हुकूमत IMF की जानिब से $1 अरब की जो छठी किस्त है वो मंजूर होने के बाद अपोजिशन को तनकीद का निशाना बना रही है और ये दावा भी कर रही है कि अब पाकिस्तान की मईशत बेहतर हो जाएगी। अल्लाह करे ऐसा हो, लेकिन कर्ज तो पहले भी बहुत लिए गए लेकिन मईशत मुस्तहकम होने की बजाय होती चली गई। और मईशत की कमज़ोरी की इससे बड़ी वजह जो है वो सियासी रहनुमाओं की जो मुखालफत बराए मुखालफत है ना, ये जो फितरत है, ये जो तब्दील होने का नाम ही नहीं ले रही और ना तब्दील होती हुई नज़र आती है, ये है। और अब मेरे ख्याल से वक्त आ गया कि हमारे जो रहबर हैं, हमारे जो सो कॉल्ड ये जो हमारे रहबर हैं, ये अपने अपने ज़र्फ़ को बढ़ा लें, थोड़ी बहुत कोशिश कर लें कि इस फितरत से ये बाहर निकल सकें, इस वतीरे को तब्दील कर लें, ये अपना जो अंदाज़ है इसको बदल लें कि दूसरे की मुखालफत किए चले जा रहे हैं। कमज़र्फ़ी का सबूत दे देते हैं बहुत सी जगहों पर जहाँ पर बनता है कि आप बड़े दिल का मुजाहरा करें, बड़े ज़र्फ़ का मुजाहरा करें। लिहाजा इनको अपने ज़र्फ़ को बढ़ाना होगा, मुल्क की तामीर के लिए, तरक्की के लिए काम करना होगा। बहुत से मामलों पर इनको जो पर्सनल ग्रजेज़ हैं उनको साइड पर रख के एक होना होगा पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए, पाकिस्तान की खुशहाली के लिए। लेकिन जिस तरह ये कर रहे हैं, अगर ऐसे ही चलता रहा तो ऐसे कैसे चलेगा? ऐसे नहीं चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब 4 रोज़ा दौरे पर चीन पहुंच गए हैं। वफ़ाकी वुज़रा और हुकूमती अराकीन ने वज़ीर-ए-आज़म के दौरा चीन को इंतहाई अहमियत का हामिलियत का हामिल करार देते हुए उम्मीद जाहिर की है कि इससे पाकिस्तान और चीन के दरमियान तआवुन और चीनी सरमायाकारी को फ़रोग़ हासिल होगा। दूसरी जानिब एक और अहम खबर, IMF ने छठे जायजे के बाद पाकिस्तान को $1 अरब कर्जा जारी करने का फैसला कर लिया है। ये बात वफ़ाकी वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन ने एक ट्वीट में बताई कि उन्हें ये बताते हुए खुशी है कि IMF के बोर्ड ने पाकिस्तान के लिए इमदादी प्रोग्राम के तहत रकम जारी करने की मंजूरी दे दी है। अच्छा, हुकूमत की जानिब से अब उम्मीद जाहिर की जा रही है कि पाकिस्तान के ज़रिए मुबादला के ज़खायर बेहतर होंगे और स्टॉक मार्केट समेत दीगर इक़्तिसादी जो इदाद व शुमार में बेहतरी भी आएगी, जिसके बाद अपोजिशन के एहतजाज और लॉन्ग मार्च की अहमियत ख़त्म हो जाएगी। इशन पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद मेहमान मौजूद हैं, साबिक वफ़ाकी वज़ीर और चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी सीनियर रहनुमा नवाहनुमा नवाज़ लीक राना तनवीर हुसैन साहब। राना साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। राना साहब, दौरा चीन की अहमियत का अंदाज़ा सबको है और आपको भी है, और वफ़ाकी हुकूमत ये कह रही है कि वो चीनी हुकूमत से कहेंगे कि आप अपनी जो सनतें हैं बैरून मुल्क ले जा रहे हैं तो अपनी सनतें पाकिस्तान में लाएँ। आप कैसे देख रहे हैं इस दौरे को, और IMF से नए कर्ज के बाद क्या पाकिस्तान की माशी और जो इक्तिसादी हालत है उसमें कोई बेहतरी की उम्मीद नज़र आती है आपको? नहीं, यकीनी तौर पे जो चाइना है उसमें कोई शक नहीं कि हमारा वो जो एक है कि आयरन ब्रदर का, आप तो हम कहते हैं पहले हायर देन हिमालिया और डीपर देन सी, लेकिन अब तो आयरन ब्रदर की टर्म हमने इस्तेमाल की और जेन्युइनली की कि वाकई चीन और पाकिस्तान बहुत ही इनके गहरे तलकात हैं और डे वन से हैं। तो मैं समझता हूँ चीन हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ और पाकिस्तान चाइना के साथ खड़ा होता है, चाहे वो कोई भी फाइनेंशियल हमारे जो क्राइसिस आए हैं उस पर भी हमेशा मदद की है। CPEC जब शुरू किया है तो उसमें भी आपको पता है ये गेम चेंजर का हम इसको नाम देते थे, लेकिन जिस स्पीड से CPEC को हमने एग्जीक्यूट किया, चाइनीज़ उन्होंने पार्टिसिपेशन उनकी थी वो बड़ी ज़बरदस्त थी, और जैसा फेज़ 1 हमने मुकम्मल किया जिसमें ग्वादर का स्टार्ट था और बाकी जो बिजली के कारखाने थे वो आपके सामने हैं सारे, लेकिन जो दूसरे फेज थे जब इनकी गवर्नमेंट आई तो इन्होंने उस पर आपको पता है कि उस रफ्तार को कैम नहीं रखा, या जो भी उसका आप सभी ले एंगल था वो उस तरह उस पर इम्प्लीमेंटेशन रुक गई, जैसे चाइना भी कोई इतना ज़्यादा वो खुश नहीं था कि ये मामला ठीक नहीं है, उसकी वजूहत जो भी मौजूदा गवर्नमेंट के पास थी, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए था। चाइनीज़ हमारे बड़े मुश्किल हालात में हमारे साथ खड़े होते हैं, जो आजकल ये भी बयान दे रहे हैं, तो अभी वो गए हैं प्राइम मिनिस्टर, तो
पहले तो एक ट्रस्ट बिल्डिंग वाली बात है कि क्या कॉन्फिडेंस बिल्डिंग वाली बात है कि क्या इनका जो एक वो जो पीछे इन्होंने आके हैंडलिंग की है अपनी इन सारी चीज़ों को चाइना के साथ, और फिर जब भी आपको पता है रिजर्व बेहतर करने के लिए भी उन्होंने हमें 2-3 बिलियन डॉलर सऊदी अरब की तरह दिए, लेकिन अब अगर वो सही वो उनके पास है चीज़ें करने को हैं, ठीक है। अच्छा रानी साहब, ऑपोजिशन कर्जे लेने पर और आईएमएफ के पास जाने पर हुकूमत पे बड़ी तनकीद कर रही है, लेकिन हमें याद है कि सागदार साहब क्या कहते थे कि जी जरदारी हुकूमत की जो ख़राब मुआशी पॉलिसीज़ हैं उन पॉलिसीज़ की वजह से ख़जाना बहुत खाली हो गया, जिसकी वजह से हमें अब कर्जे लेने पड़े, हमारे पास ऑप्शन कोई और नहीं है। अब यही बात तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत करती है कि हमारे पास ऑप्शन नहीं है। अब आवाम किसकी बात को सही माने, किसकी बात को ना माने, समझ नहीं आती कि जो असल कसूरवार है वो कौन है, क्योंकि हर कोई साबिका हुकूमतों पर जब तनकीद करेगा या हर कोई दूसरे को मुर्दे इल्ज़ाम ठहराएगा तो ये तो फिर आवाम को कंफ्यूज करने के मुतरादिफ हो गया ना, कि आवाम कंफ्यूज रहे बेचारी। नहीं, इसमें कोई शक नहीं। मुझे याद है जब 2008 में पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट थी, उसकी कैबिनेट जब पहले मेरा 2 महीने या 3 महीने हम कैबिनेट का हिस्सा रहे, तो उसमें डार साहब को फाइनेंस मिनिस्ट्री मिली थी, तो उस वक्त सिचुएशन 2008 में भी बहुत गंभीर किस्म की थी, जिससे डार साहब ने भी कोई जब वो फाइनेंस मिनिस्टर बने तो उन्होंने देखा तो उन्होंने परेशानी का इजहार किया और वो जो मिनिस्ट्री बाद में छोड़ भी दी। तो कहने का मकसद है ये बात दुरुस्त है, लेकिन देखें हमने उसको थोड़ा सा एक स्टेबल किया, हमने बिल्कुल कर्जे लिए लेकिन उस परसेंटेज से या उस रेशो से या उस तरह की चीज़ें नहीं की जिससे इकॉनमी आज की तरह ख़राब हो जाती। ये इसमें कोई शक नहीं कि लोन हमेशा चले हैं, उनकी वापसी भी होती है, हम भी वापस करते रहे। हमें 1700 मिले अरब रेवेन्यू मिला, हमने 4000 के इनको दिया जब हम 2018 पे गए थे। तो जो डॉलर जो हमारे पास कर्जे थे उसकी देख लेते तो कितना था और इन्होंने कितना लिया 3 साल में। अच्छा राना साहब, अगर आपकी बात मुकम्मल होगी तो मेरे जहन में एक सवाल है, मैं पूछना चाहूँगी, ये जो हुकूमत अब दौरा चीन के हवाले से खास तौर पे और आईएमएफ से नए कर्ज के बाद उम्मीद ये जाहिर करी कि जिन मईशत है उसमें बहुत ज़्यादा बेहतरी आएगी, और आप लोग जो हैं अपोजिशन वाले वो आवाम का दुख दर्द समझते हुए बाहर आना चाह रहे हैं और ख़ासतौर पर महंगाई की वजह से, तो हुकूमत ही मौकफ़ है कि मईशत की जब बेहतरी हो जाएगी उसके बाद डेफिनेटली पीडीएम का जो लॉन्ग मार्च है वो तो बेमायने ही हो जाएगा। अगर इतनी सी बात थी लोगों के मुताबा जो इलाज है उनकी तकलीफ़ों का, वो मर रहे हैं भूख से, उनको कोई चीज़ आप देखें। आज भी मुझे किसी ने भेजा कि रीजन में किस तरह महंगाई हुई है, कहीं 2% है, कहीं 3% है, कहीं 5% है। मैं अब एग्जैक्ट मुझे याद नहीं कि बांग्लादेश में कितनी है, अगर आपके पास फिगर हो, इंडिया में कितनी है, रीजन की बात का, वो 5 से ऊपर किसी की नहीं, तो 2 से 5 हमारी 13% उन्होंने कहा। तो मैं समझता हूँ ये बातें इस तरह ना करें। अगर 1 अरब डॉलर मिला है तो मुझे बताएं ये कितने इन्होंने स्कूक बॉन्ड भी दिए, स्कूक जारी किए इन्होंने रिजर्व बिल्ड करने के लिए सऊदी अरब से, यूएई से, चाइना से, हत्ता कि अब तो कजाकिस्तान की बात हो रही है कि उससे भी पैसे हमने लेने हैं। अब कजाकिस्तान तक बात हम पहुँचा रहे हैं कि हमें कुछ पैसे दे दें। तो मैं समझता हूँ कि ये पता चल जाएगा चंद आपको 1 महीने में 2 महीने में कितना बेहतरी आती है, बल्कि जो बेसिक इसके की इश्यूज़ हैं इकोनॉमी के या डायरेक्शन है या पॉलिसीज़ है उनको रिविजिट करने की ज़रूरत है जो ये कर रहे हैं। उसमें तो ये फोकस नहीं कर रहे, उसमें तो ये जा नहीं रहे। दिन ब दिन हमारे जो इनकी पॉलिसीज की वजह से जो महंगाई है वो अपनी जगह, बाकी इंडिकेटर्स भी नीचे की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, याद होना कि रिजर्व्स इतने बिल्डअप इन्होंने कर दिए हैं, करंट अकाउंट का सारा ये कहते थे हम नीचे लाए हैं, वो उस वक्त भी इन्होंने इंपोर्ट बंद कर दी, कर्व कर दी, जैसे नेगेटिव इंपैक्ट आया। अच्छा ये राना साहब, ये नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से मैं जरा जानना चाहूंगी, जो मेडिकल रिपोर्ट के हवाले से बहुत ज्यादा तनकीद हो रही है, तो हुकूमत कहती थी नवाज शरीफ साहब ने अभी तक इलाज मुकम्मल नहीं करवाया, घूमते फिरते नजर आते हैं, कैसे बीमार हैं जो सफर करके चले जाते हैं। तो आपको याद होगा पिछले साल मरियम नवाज साहिबा ने भी पीपल्स पार्टी को जवाब देते हुए क्या कहा था कि जी जरदारी साहब अगर गारंटी दें कि वतन वापसी पर नवाज शरीफ साहब को कोई खतरा नहीं होगा तो वो आ जाएंगे। तो मैं जानना चाह रही हूँ कि असल जो मसला है वो नवाज शरीफ साहब की तबीयत खराब है या फिर पाकिस्तान में उनकी जान को खतरा है।
देखिए, यकीनी तौर पे मैं आपको ये कह सकता हूँ कि उनके जो सेहत के मसले हैं वो मल्टीपल, हम कहते हैं बेशुमार उनको इश्यूज हैं, हेल्थ इश्यूज हैं, और आज के नहीं हैं। आपको याद होगा जब वो लंदन में थे, जब जद्दा से आए थे, तो उस वक्त ही बड़ा सीरियस किस्म की हार्ट सर्जरी हुई थी, दिल की उनकी सर्जरी ऐसी हुई जिससे एक वक्त उनकी जान को ख़तरा भी पड़ गया। तो उसके बाद भी वो गए बगैर जाके उन्होंने अपनी हार्ट सर्जरी कराई है। ब्लड प्रेशर उनको है, किडनी का उनका मसला है, प्रोस्टेट का है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं समझता हूँ कि जब वो जहाँ से गए हैं तो उस वक्त से कोविड की जो पोजीशन थी या उस तरह उनकी ट्रीटमेंट, जो सर्जरी, दो तीन मेजर सर्जरी भी होनी है, तो जब तक ये पार्टी का ये है कि जब तक उनकी सेहत ठीक ना हो या डॉक्टर उनको इजाज़त ना दें सफ़र करने की, उस वक्त तक वो नहीं आएंगे। जहाँ तक ये है कि वो जेल नहीं जाना चाहते। सही। मैं समझता हूँ कि जेल तो वो कई दफ़ा गए हैं, वो टक जेल में रहे हैं, वो लांडी में रहे हैं, वो डियाला में रहे हैं, कोडलखपत में रहे हैं, वो तो कन्विक्ट हो गए, वो बाहर थे और अपनी बेटी के साथ आगे सीधा डियाला जेल पहुँच गए, कन्विक्शन हुई हुई थी और जेल जाने के लिए आ गए, पता था मैंने जेल जाना है, लाहौर एयरपोर्ट से सीधा अडियाला जेल आ गए। तो ये इस तरह की बातें नहीं करें, उनकी बीमारी का मसला है, बीमार हैं, जब वो ठीक होंगे तो वो एक मिनट के लिए भी नहीं उधर रहेंगे, क्योंकि उनका अपना पाकिस्तान। अच्छा, ये आपकी बात से मुझे याद आया राना साहब, ये जो ये मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमा जावेद लतीफ़ साहब हैं, उन्होंने एक टीवी प्रोग्राम में ये दावा किया है कि जी नवाज शरीफ साहब आइंदा चंद हफ्तों में पाकिस्तान होंगे, पाकिस्तान आ जाएंगे। तो क्या ये पार्टी मीटिंग में फैसला हुआ है, ये जावेद लतीफ़ साहब को मियाँ साहब ने अलग से बताया होगा? नहीं, ये तो वही बता सकते हैं, वो हमारे रहनुमा हैं, मैं क्या कह सकता हूँ कि उनको पूछ लें, ये सवाल उनसे ही करने वाला है। हमें ना पार्टी में नहीं ये बात हुई, ना मियाँ साहब, जब भी कोई फैसला होगा, मैं आपको बार बार कह चुका हूँ, मसलसल कह रहा हूँ कि जब तक कोई उनकी सेहत का मसले का हल नहीं निकलेगा तो फिर पार्टी फैसला करेगी, और पार्टी में होने पार्टी अच्छा, के वैसे मियाँ साहब, ये राना साहब आपको नहीं लगता ये भी एक बहुत बड़ा मसला है कि पार्टी में से कोई भी कोई राय दे देता है, और फिर जब इससे मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप एक सीनियर रहनुमा हैं, आप कह रहे हैं जी पार्टी में ऐसी कोई बात नहीं हुई, लेकिन आप जावेद लतीफ़ साहब से खुद पूछ लें, तो ये पार्टी में से जो कोई भी बात कर देता है, किसी से पूछा नहीं जाता कि आपने बात कैसे कर दी, आपकी कोई बात हुई, क्या हुआ था? क्योंकि पार्टी में बाकी सबको तो नहीं पता, क्योंकि नवाज शरीफ साहब की वापसी का मामला है ना, ये छोटा मोटा मामला तो है नहीं। मैं जो बात कर रहा हूँ ना, पता नहीं उनको, शायद कोई जो आपने कहा कि मियाँ साहब ने बात, लेकिन जो मैं बात कर रहा हूँ, मैं पार्टी की बात कर रहा हूँ, आपके सामने बात, ये फैसला है कि जब तक, यानी पार्टी में ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है, वो नहीं आएंगे, और ये पार्टी का फैसला है कि जब तक उसे ठीक नहीं होगी, और ये मियां साहब का और पार्टी का फैसला होना, पार्टी ने भी, आखिर पार्टी हमारा वो एसेट है, ठीक है, ये कायद है, तो हमारे एक कंसर्न है उनकी सेहत के मुतालिक। इस तरह तो नहीं है कि सियासत तो अपनी जगह ले, इनको उनकी सेहत जो है वो बहुत ज़्यादा हमें उसकी फिक्र है, तो ये पार्टी फैसला करेगी, और मियाँ साहब की मर्ज़ी, जब मियाँ साहब का हो जाएगा कि हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे डॉक्टर कह दिया, तो फिर पार्टी डेफिनेटली फिर उस पर बैठ के बात करेगी। यानी जितना डॉक्टर्स का फैसला होगा उतना ही पार्टी का भी फैसला होगा कि उनको वापस आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। नहीं नहीं, जब पार्टी को, हमें देख रहा इलाज तो वो करवा रहे हैं उधर है, जब वो कहेंगे कि डॉक्टर्स ने मुझे इजाज़त दे दिया, तो पार्टी यकीनी तौर पर फिर उनके आने का सिलसिला भी तो होगा ना, कि ठीक है आप आ जाएँ, और पार्टी बिल्कुल वेलकम करने के लिए तैयार है। ठीक है जी, यानी आप लोगों की राय भी डॉक्टर्स की राय पे मबनी होगी। ठीक है जी, ठीक है राना साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, सूबा बलोचिस्तान इस वक्त दहशत गर्दों के निशाने पर है। 10 रोज में दहशत गर्दों की जानिब से ये तीसरा हमला किया गया। कल रात दहशत गर्दों की जानिब से नोशकी और पंजगोर में सिक्योरिटी फोर्सेस के कैंपों को निशाना बनाया गया, और कुछ दिन पहले भी बलोचिस्तान में फौजी चौकी पर दहशत गर्दों की जानिब से हमला किया गया था जिसमें 10 फौजी जवान शहीद हो गए थे। अच्छा, एक तरफ सूबे में सबसे बड़े तरक्याती मनसूबे यानी सी पैक पर काम हो रहा है। वज़ीर आज़म चार रोज़ा चीन के दौरे पर रवाना हो गए हैं, जहां वो पाकिस्तान में मज़ीद सरमायाकारी लाने के लिए कोशा हैं। वहीं मुल्क दुश्मन कुव्वतों की जानिब से बलोचिस्तान का अमन बर्बाद करने की भी हम देख रहे हैं कि कोशिशें जारी हैं। दहशतगर्दी के वाकयात बढ़ रहे हैं। इस दहशतगर्दी के पीछे कौन है, किसके जासूस बलोचिस्तान से पकड़े जाते हैं, ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं, सबको मालूम है, सबको पता है। बलोचिस्तान में दहशतगर्दी का नेटवर्क कौन चला रहा है, ये भी सबको पता है। अच्छा, सी पैक से किसको तकलीफ़ है, ये भी सबको मालूम है।
बलूचिस्तान में भारत कैसे कैसे मुआवन बना रहा है, इसके सबूत पाकिस्तान के पास कुलभूषण की शक्ल में अब भी मौजूद हैं, जो कि अब भी पाकिस्तान की गिरफ्त में है। अब अहम सवाल यह पैदा होता है कि इस नेटवर्क को कैसे तोड़ा जाए। नेटवर्क तो है, कौन चला रहा है ये भी पता है, लेकिन इसको तोड़ा कैसे जाए, दहशतगर्दों का नामो निशान कैसे मिटाया जाए, उनके सरपरस्तों को कैसे कटहरे में खड़ा किया जाए। अच्छा, दूसरी जानिब इसी मुल्क भारत का रवैया चीन के साथ भी दुरुस्त नहीं है, ठीक नहीं है। भारत पड़ोसियों को दुश्मन बना बैठा है, भारत अपनी अना के जुनून में चीन से भी ताल्लुकात बिगाड़ चुका है, और हाल ही में दोनों मुल्कों की फोर्सेस के माबैन सरहद पर नोकझोंक भी हुई और भारतीय फौजियों ने अच्छा खासा नुकसान भी उठाया, आपको याद है। अच्छा, मोदी सरकार की इन पॉलिसीज़ को अपने ही मुल्क के अंदर शदीद तनकीद का निशाना भी बनाया जा रहा है। ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में बीजेपी की जो पॉलिसीज़ हैं उनको शदीद तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि इन पॉलिसीज़ की वजह से भारत अकेला हो चुका है, तन्हा हो चुका है, भादें कमज़ोर हो रही हैं। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तजियाकार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब साहब। जनरल साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जनरल साहब, ये जो हमलों की जिम्मेदारी है ये BLA ने कबूल कर ली है और गवादर इस वक्त अपनी उरूज पर जा रहा है, सबको पता है बलूचिस्तान को तरक्की की जानिब लेकर जाया जा रहा है। अब ऐसे में बलूचिस्तान में होने वाले जो हमले हैं ये एक साजिश है और पाकिस्तान को गैर महफूज मुल्क बनाना इनका मकसद है साजिशों का, क्या भारत के दहशतगर्दों को सपोर्ट करने वाले ज़राए अब तक काम कर रहे हैं? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, ये पहले तो अफगानिस्तान ले लीजिए कि हमारा ये बिल्कुल ख्याल था कि जब तालिबान की हुकूमत आ गई तो भारत की प्रॉक्सीज वहां पे काम नहीं करेंगी, लेकिन हालात ऐसे हुए कि तालिबान की खुद अपनी हुकूमत कमज़ोर है, उनके रिट पूरे अफगानिस्तान पे नहीं है। उसकी वजह ये कि उनकी फौज, उनकी पुलिस वगैरह जो कुछ थी वो सब खत्म हो गई, क्योंकि इनके पास तनख्वाहें देने के लिए पैसा नहीं है। नतीजा ये कि वो जो तालिबान अपने इनके थे 60-70 हज़ार, उन्हीं से ये काम चला रहे हैं, तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पूरी तरह कंट्रोल में नहीं है। दूसरी तरफ ये है कि जब इन्होंने आम माफी दे दी तो आम माफी की वजह से वो तमाम प्रॉपर्टीज, वो लोग वहीं पे मौजूद हैं। अफगान तालिबान ने आम माफी दी थी, वो जो कि अमेरिका के लिए काम कर रहे थे या भारत के लिए काम कर रहे थे, NDS के लोग थे, वो वहीं मौजूद हैं। उनमें से कुछ तो निकलने में कामयाब हुए, बाकी वहीं हैं। उनकी सर्वाइवल अपनी यही है कि ये काम दोबारा शुरू करें तो फिर उनको बाहर की एजेंसी पैसा दें, वरना तो वो भी मारे जाएंगे। इस दौर में अफगानिस्तान में जहां भूख और अफलास है, पैसा नहीं है, तो पैसा कमाने के लिए कई लोग हर तरह का काम करने को तैयार होंगे, तो वो पुराने एजेंट्स जो है वो फिर फाल और भारत उनको इस्तेमाल कर रहा है। दूसरी तरफ ये है कि जितने भी ये अटैक वगैरह इस तरफ हुए हैं, पंजगुर साइड पर आप देख लें या नीचे हमारे ग्वादर साइड पे जो कुछ हो रहा है, इवन केश वाला हमला, ये ईरान से हो रहा है। अब ईरान के साथ भी मसला है कि हमारी एक तो फेंसिंग मुकम्मल नहीं है, दूसरी तरफ ये है कि वहां पे चाबहार की बंदरगाह जो है वो भारत के पास है। भारत ने कई सालों से चाबहार पहले वो बना रहे थे, फिर बन गई, अब उनका इंतजाम उनके पास है, तो वहां पर उन्होंने बहुत बड़ा अपना इंटेलिजेंस का नेटवर्क जो है वो एस्टेब्लिश किया हुआ है, वो नेटवर्क फाल है। कई ईरानी भी हो सकता है कि उनके पेरोल पे हो, तो इस लिहाज से ईरानी हुकूमत भी कोताही कर रही है, जिसका पाकिस्तान को नोटिस लेना चाहिए, और भारत का नेटवर्क भी वहां पे फाल है। तो ये सारी चीजें, अब आपने देखा कि हैंडलर भारत पे काम कर रहे थे, कोई अफगानिस्तान से हैंडलर काम कर रहा था, उनकी कॉलें इंटरसेप्ट हुई हैं, आपके पास सारे शवाहद भी मौजूद हैं, और आपने पहले भी पिछले साल एक डोजियर बना के पूरे मुकम्मल शवाहद के साथ दुनिया को उसका बताया, दिया यूनाइटेड नेशन को भी दिया, लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। आज भी डोजियर हमें जरूर देना चाहिए, लेकिन वो एक्शन मेरा नहीं ख्याल होगा। असल चीज ये है कि भारत को अब टिट फॉर टैट करना चाहिए, उनको उनके यहाँ 13-14 उनकी अपनी तंजीमें हैं जो कि वहां पे अलहदगी मांगती हैं भारत से, उनको सपोर्ट मेरा ख्याल है देने के लिए हमें अब ज्यादा आगे आना होगा। ये जो अमन का किस्सा है वो मेरा ख्याल कारगर साबित नहीं हुआ, और भारत को उसी के मैदान में अगर खून उसका बहाया गया तो फिर शायद उसको होश आए। अच्छा जनरल साहब, ये जो BLA इसको किस तरह तोड़ा जाए, क्योंकि वज़ीर आज़म अब चीन भी नई सरमायाकारी लाने के लिए गए हुए हैं और यहाँ सूबे की सिक्योरिटी को ख़राब करने की बाकायदा कोशिश की जा रही है सोची समझी साजिश के तहत, और कुछ महीने पहले आपको याद होगा दासू में भी जो चीन से ताल्लुक़ रखने वाली टीम पर हमला किया गया था, इस हवाले से मैं आपका कॉमेंट चाहूँगी। देखिए, यहाँ पे मसला ये है कि यहाँ CPAC के अगेंस्ट तो सिर्फ भारत नहीं,
अमेरिका उनकी CIA भी काम कर रही है, मोसाद भी काम कर रही है, और बाद जगहों पे खलीजी मुल्कों का भी जिक्र आता है कि वो गवादर पोर्ट को बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते क्योंकि खलीजी मुल्क समझते हैं कि उनका कारोबार फिर रुक जाएगा। तो इस वजह से ये तो एक इंटरनेशनल आप कह लीजिए कि साजिश मौजूद है और हमें इसका इल्म भी है या नहीं है कि हम नहीं जानते। हाँ, भारत उसमें एक लीड रोल प्ले कर रहा है क्योंकि वो यहाँ पे हमसाया मुल्क है, उसकी सरहदें मिलती हैं, वो उनके लिए आसानी है, तो वो लीड रोल प्ले कर रहे हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें हमें मालूम भी है, पता भी है। पाकिस्तान को जहाँ तक CPEC के खिलाफ कोशिशें हैं उसको तो फेस करना होगा, वो उसके लिए तरीकाकार मुख्तलिफ हो सकते हैं। यहाँ जो इस दफ़ा फिनोमेना हुआ है वो ये है कि पिछले 3 अटैक जो आपने, 2 ये अभी जो हुए और इससे पहले जो केश में हुआ, इसमें तरीकाकार बिल्कुल बदल चुका है। तालिबान वो पहले वाला काम नहीं, ये जो बलोच हैं ये पहले वाला काम नहीं कर रहे BLA के लोग, कि पहले ये तीन चार लोग या 5 लोग खड़े हो जाते थे एक जगह पे और गुजरती हुई गाड़ी पे फायर करते थे, उसमें कोई 1-2 लोग मार दिए, एम्बुश करते थे। अब इन्होंने बड़े पैमाने पे हमले शुरू किए जिसमें कि काफी ज्यादा लोग हिस्सा लेते हैं। फिर दूसरी चीज ये है कि इनके पास रात को ऑपरेट करने का सामान है, बहुत सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हैं जो कि अमेरिकन छोड़ गए वहां पे, ये नया फिनोमिना है। और तीसरा चीज ये है कि इन कामों के लिए, इस तरह के अपग्रेड करने के लिए बड़ी ट्रेनिंग की जरूरत होती है और लगता ही है कि इनको बहुत अच्छी ट्रेनिंग कराई गई। तो अब आपका मुकाबला एक वेल इक्विप्ड दुश्मन से है जो बड़ा वेल ट्रेंड भी है और वो अब जानता है कि उसने उस इलाके को कैसे इस्तेमाल करना है जो उसको उस इलाके का खुद पता है वहां का रहने वाला। तो इस वजह से पाकिस्तान को भी हिकमत अमली बदलनी होगी और हो सकता है कि हमें यहाँ पे कोई ऑपरेशन भी लॉन्च करना पड़े। अच्छा जनरल साहब, जब से हुकूमत ने ये ऐलान किया था कि जी TTP से सीज फायर ख़त्म हो चुका है, उसके बाद से हम देख रहे हैं कि मुल्क में जो दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ हैं इसमें शिद्दत आ रही है, तो आपको क्या लगता है कि इसका फ़ायदा उठाकर हमारे दुश्मन ममालिक ने जो TTP और BLA को क्या ज़्यादा सपोर्ट करना शुरू कर दी है? नहीं, सपोर्ट तो पहले से मौजूद थी और कुछ अर्सा अमन रहा है, उसमें लाजमन इनकी ट्रेनिंग बेहतर की गई है। वो होता है ना कि जनरल साहब कुछ अर्सा खामोशी भी हो जाती है तो दोबारा से एक्टिव होना और बकायदा सोची समझी साजिश के तहत एक्टिव होना, मजीद एक्टिव होना, उसमें यही है ना कि दुश्मन को वक्त मिल जाता है तो वो तैयारी बेहतर कर देता है। आप भी थोड़ा रिलैक्स कर जाते हैं कि जी वाकयात नहीं हो रहे, तो आप रिलैक्स कर गए आपके लोग, नतीजा ये कि उस दौरान वो अपने टेंटिकल्स भी फैला रहे हैं, बड़ी साजिश कर रहे होते हैं, स्लीपर सेल्स भी क्रिएट कर रहे होंगे, ट्रेनिंग भी कर रहे हैं, वेपन्स भी नए मिल रहे हैं। फिर इनके जो स्पॉन्सर्स हैं वो बाहर मौजूद हैं, आप देख लीजिए जावेद मैंगल बाहर से कर रहा है, ये अख्तर मैंगल का भाई, फिर रामदार कुत्ती है, हरप्यार मरी है, वो भी तो जिंदा रहना है, उन्होंने वो जिंदा इसी तरह रहते हैं, कोई वाकयात करवाएं तो उनको पैसे मिलते हैं, वरना तो वो बाहर बैठे भूखे नंगे हो जाए, उनके पास कौन सी सोने की कान है। तो ये भी एक एलिमेंट है, सरदारों का वहां पे आज है, सरदार अपने कबीले के लोगों को इस्तेमाल करते हैं और वो उस पर पैसा भी कमाते हैं। ठीक है, हुकूमत ने ये काम हुकूमत को करना चाहिए था कि वहां पे ए और बी एरियाज हैं, हमारा ए एरिया सिर्फ 7% है जिसमें कि हुकूमत के रिट है, यानी हुकूमत के थाने हैं, पुलिस है वहां पे, कचहरी है या वहां पे जिली इंतजामिया मौजूद है, बाकी 93% एरिया वो है जिसमें सरदार की रिट है, सरदार मालिक है वहां का, वहां लेवीज वगैरह हैं उसके, और लेवीज भी सरदार के लोग होते हैं, तो अगर सरदार ना चाहे तो वहां पे हर तरह की फसाद वहां पे फैल सकता है। तो इस वजह से इन इलाके को भी एरिया बनाने की काम शुरू करना चाहिए। ठीक है, अच्छा जैसे राहुल गांधी का जो बयान सामने आया, वो कह रहे हैं जी जो भारत की पॉलिसीज़ हैं उन पॉलिसीज़ की वजह से चीन और पाकिस्तान करीब हो गए, यानी BJP पे खुलकर तनकीद की राहुल गांधी ने, तो भारत को अभी से तकलीफ शुरू हो गई है, अभी तो वज़ीर आज़म का दौरा शुरू हुआ है, तो क्या सिर्फ भारत को पाक चीन दोस्ती और CPEC से तकलीफ है या फिर अमरीका जो कि टिशू पेपर की तरह ममालिक को इस्तेमाल करना जानता है, ये तकलीफ बेसिकली अमरीका की है और अमरीका भारत को मोहरे के तौर पर इस्तेमाल करना चाह रहा है? देखिए, इसमें अमेरिका, मैंने जैसे कहा, अमेरिका, भारत और इसराइल, मोसाद, ये सारे शरीक हैं CPEC के खिलाफ, लेकिन भारत तो दुश्मन है वो CPEC, और उसके अलावा और भी कोई मौका नहीं जाने देगा जिसपे कि वो आपके साथ दुश्मनी ना करे। अब वहां पे जो राहुल गांधी ने जो बात की है वो इस लिहाज से दुरुस्त है कि हमारी दुश्मनी तो चल ही रही थी, चाइना
बावजूद इसके कि उनका एक सरहदी तनाजा इंडिया के साथ मौजूद था, लेकिन सरहदों पे कोई एक्टिविटी नहीं थी, कोई ऐसा कोई उनकी आपस में स्कर्मिशेस वगैरह नहीं हो रहे थे। लेकिन जब इसने कश्मीर को उसका स्टेटस बदला और उसको यूनियन टेरिटरी बनाया, तो तब मेरा ख्याल है कि चाइना ने यह समझा कि ये यकतरफा कदम इसने किया है और अब सी पैक के रस्ते को खतरा बन सकता है इस चीज की वजह से। तो चाइना ने भी फिर आगे बढ़ के वो इलाका कब्जा कर लिया, ताकि एक तो सी पैक महफूज हो जाए, दूसरी तरफ यह है कि भारत को ये मैसेज मिल जाए कि भारत अभी इतना बड़ा मुल्क नहीं हुआ या इतनी बड़ी कुव्वत नहीं बनी कि वो यकतरफा कदम उठाता रहे और उसको कोई पूछेगा नहीं। तो अगर यकतरफा कदम उठाया मोदी ने, चाइना ने जवाब दिया, तो राहुल गांधी उस लिहाज से ठीक कह रहा है कि जो हालात आज भारत फेस कर रहा है चाइना के मुकाबले में, वो इसी की करतूत है, ये मोदी की करतूतों की वजह से। ठीक है जनरल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इसी के साथ डॉक्टर को दीजिए इजाजत, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर जिंदगी ने वफा की दुआओं में याद रखेगा, अपना बहुत ख्याल रखेगा, अल्लाह के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।